हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी इट वाज वेरी शेमफुल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ही शुड हैव नॉट डन दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ही शुड हैव नॉट डन दैट, इट्स नॉट कूल टू डू दैट, एब्सोल्युटली नॉट कूल टू डू दैट, दैट्स ऑल, लेट्स मूव ऑन. हम अपनी, मैंने बताया ना, अपनी सीनियोरिटी वजह से फंस जाते हैं. पर अगर आप ये जान के चलें, एक सीन था मेरे दो दोस्तों का यहाँ पर, व्हेन वी वर डूइंग दैट, मैंने अशोक को कहा, मैंने कहा यार ये मुस्कुरा रहे हैं सीन के वक्त, तो अशोक ने कहा कि बिकॉज उनका कैरेक्टर है मुस्कुराने वाला. तो बड़ी जल्दी से आसानी से जवाब मिल गया. आई थिंक व्हेन यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स, देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है. लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए. लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी इट वाज वेरी शेमफुल, इट्स एज सिंपल एज दैट, ही शुड हैव नॉट डन दैट, इट्स नॉट कूल टू डू दैट, एब्सोल्युटली नॉट कूल टू डू दैट, दैट्स ऑल, लेट्स मूव ऑन. ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's very, it's not in good taste at all. But it just shows how he is not, it doesn't reflect on what others are. And that's all I like to say. But it was, like he said, shameful. Maafi sahit, Anupam ji. Sorry? Maafi sahit, maafi mangte hue ye sawal maine pucha. Aapne bola tha out of syllabus mat. Nahi. Jo ye to baat jo sach hai, jo uske bare mein bolna zaruri hota hai. Because I think it was in poor taste. Yes. Thank you, sir. Bahut careful hu as far as respect for women is concerned. Mujhe personally lagta hai ki isme koi disrespect nahi hai. Main chahunga Mahila Aayog se main milunga. Aur agar wo mujhe samjha de ki isme galat kya hai, to main zarur maafi mangunga. Mahila Aayog. ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे हैं, और जब तक कि वो नहीं थे ज़िंदगी में, मैं नहीं होता. तो इवन जो भी हुआ है मेरे साथ, आई एम फॉर्चुनेट के हुआ है मेरे साथ, ताकि मैं उन सब चीज़ों ने मुझे इस मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया.